स्मार्टफोन की ऐसी दीवानगी की खरीदने के लिए कम पड़े पैसे तो पहुंच गई अस्पताल। स्मार्टफोन खरीदने के लिए इस नाबालिग लड़की ने अपना खून बेचने का कर लिया फैसला। आखिर 16 साल की इस लड़की की क्या थी ऐसी मजबूरी कि खून बेचने को हो गई मजबूर, देखिए इस खबर में। ये बेहद ही आम बात है कि स्मार्टफोन को लेकर लोगों में अक्सर दीवानगी देखने को मिलती है। कई बार तो लोग अपना पसंदीदा स्मार्टफोन खरीदने के लिए इस हद तक गुजर जाते हैं जिसकी कोई सीमा भी नहीं होती। लोग पसंदीदा स्मार्टफोन खरीदने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जो सभी को अचंभित कर देते हैं, यहाँ तक कि लोग जान जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में। आखिरकार क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस बात की कोई दो राय नहीं है कि आजकल स्मार्टफोन ने टीवी और कैमरों की जगह ले ली है। आज के समय में बच्चे स्मार्टफोन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और कई बार तो स्मार्टफोन लेने के लिए बच्चे बड़े बड़े कदम भी उठा लेते हैं। ताजा मामला पश्चिम बंगाल का है। जो कुछ हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। हुआ कुछ यूं कि 16 साल की एक लड़की जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में अपना रक्त बेचने पहुंच गई और रक्त बेचकर अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदना चाहती थी। आपको बता दें ये घटना सोमवार की है। बालूरघाट जिला अस्पताल के ब्लड बैंक काउंसिलर द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक लड़की सुबह करीब 10 बजे उनके यहाँ आई थी। उन्हें पहले लगा कि वो यहाँ पर ब्लड लेने आई है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो ब्लड बेचना चाहती है तो ये सुनकर वो लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वो अपने भाई का उपचार करने के लिए पैसे जमा करना चाहती है। इसके बाद कुछ देर बातचीत करने पर पता कि वो ब्लड बेचकर स्मार्टफोन लेना चाहती है। लड़की ने बताया कि उसने 9000 रुपए का ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया है जिसकी डिलीवरी गुरुवार को होना है। लड़की सोमवार ट्यूशन पढ़ने के लिए कहकर अपने घर से निकली थी। उसने अपनी साइकिल बस स्टैंड पर खड़ी कर और वहां से बस में बालूरघाट जिला अस्पताल आ गई। बता दें कि ये लड़की तपन से बालूरघाट पहुंची थी जो करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके पिता सब्जी बेचते हैं और उसकी माँ हाउसवाइफ है और उसका एक छोटा भाई भी है। गौरतलब है कि लड़की नाबालिग थी, इसलिए जैसे इस बात की जानकारी ब्लड बैंक के अधिकारियों को हुई उन्होंने चाइल्ड लाइन को सूचना दी, जहां इस लड़की की काउंसलिंग कराई गई और फिर जिला बाल कल्याण समिति के जरिए उनके माता पिता के पास भेज दिया गया। वहीं कमेटी ने जब उनके माता पिता से संपर्क किया तो उनके पिता ने बताया जब वो घर से गई थी तो वो घर पर नहीं थे। उनके दिमाग में स्मार्टफोन के लिए रक्त बेचने की बात कैसे आ गई ये जानकर वो भी हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज। रॉयल एनफील्ड एक बार फिर आपके शहर में आ गया धूम मचाने। क्लासिक 350 के क्लासिक मॉडल के दीवाने तो बहुत हैं, लेकिन रेट्रो लुक के दीवानों के लिए रॉयल इनफील्ड लेकर आया है हंटर, जिसकी शानदार लुक, जानदार परफॉर्मेंस और तेज तरार चाल किसी को भी आकर्षित करेगी। त्योहारों के इस मौसम में अपने रॉयल इनफील्ड शोरूम भतडीहा गोड्डा में जरूर आएं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। इजी कैश पॉइंट आपको कम खर्च में CSP खोलने का मौका देता है, जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल DTH और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15,000 से 20,000 तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो CSP ID के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक।